बाड़मेर पुलिस ने एक परिवार के लिए मसीहा बनकर कई सालों से बिछड़े एक बुजुर्ग को उसके परिवार से मिला दिया। कोतवाली पुलिस ने 6 सालों से बिछड़े एक बुजुर्ग को परिवार से मिलवाया तो उस परिवार की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं कोतवाली पुलिस के इस सराहनीय कदम की हर जगह खूब प्रशंसा हो रही है। पेश एक रिपोर्ट। बाड़मेर पुलिस ने एक परिवार के लिए मसीहा बनकर कई सालों बिछड़े एक बुजुर्ग को उसके परिवार से मिला दिया। कोतवाली पुलिस ने 6 सालों बिछड़े एक बुजुर्ग को परिवार से मिलवाया तो उस परिवार के आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वही कोतवाली पुलिस के इस सराहनीय कदम की हर जगह खूब प्रशंसा हो रही है। दरअसल बाड़मेर कोतवाली थाना पुलिस को 30 अप्रैल को शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति गंदे कपड़े पहने हुए मानसिक रूप से कमजोर व लावारिस हालत में खाने के लिए भटकता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस थाना कोतवाली के SI सलीम मोहम्मद, हेड कांस्टेबल पदमपुरी सूरज सिंह और कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को पास बुलाकर चाय पिलाई व नाम पता पूछा। उसकी हालत दयनीय होने व फटे मेले कपड़े पहने होने से कोतवाली थाने के पुलिस स्टाफ ने मानवता का परिचय देते हुए बुजुर्ग व्यक्ति को अच्छी तरह नहलाया और दाढ़ी बनवाई। बढ़े हुए नाखून काटने के साथ ही उसे नए कपड़े व जूते पहनाए तो मानो बुजुर्ग की रंगत ही बदल गई। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल पदमपुरी ने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम द्वारा तसल्ली से नाम पता पूछा तो अपना नाम कमल सिंह पुत्र राम सेवक जाति गौड़ निवासी बाड़ी खास जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश बताया, जिस पर उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। पुलिस का कमल सिंह के परिवार वालों से संपर्क हो गया। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग के परिवार वालों ने बताया कि कमल सिंह पिछले 6 साल से लापता है, जिसे वो ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर व जिले के थानों को कमल सिंह के फोटो भेजकर तलाश करने की प्रयास भी किए। स्लिप हो गए और इनके परिवार से इनकी बेटियों का और मिसेज का फोन आने लगा कि भैया मदद करो, ये 6 साल से गायब मिल नहीं रहे, हम पीछे परेशान हो रहे। तो हमें सूचना मिली कि बालोतरा में घूम रहे हैं। तो बालोतरा उगमराज जी से साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी फटाफट अपने स्टाफ को तैयार किया, इनको मिला, लाके बिठाया और कांटेक्ट किया। फिर ऐसे कोई हो तो इनको आश्रय स्थल बना हुआ NGO की तरफ से, इनको आश्रय स्थल में बिठाया और परिवार से हमने डायरेक्ट कांटेक्ट रखा। आज परिवार वाले आए, इनको मिलाया, ये भी यहाँ परिवार वाले यहाँ आ गए तो हम उनको लेके यहाँ आए, यहाँ इनके परिवार को मिलाया और सपोर्ट किया। ये मानसिक रूप से थोड़े कमजोर है, घर से भटक गए थे, 6 साल से घूम रहे थे, आज परिवार से मिल गए। परिवार वालों ने कहा कि हम उन्हें लेने के लिए बाड़मेर आ रहे हैं। दूसरी ओर इसी बीच बुजुर्ग कमल सिंह फिर से इधर उधर लापता हो गया। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग की फिर से तलाश शुरू की। कमल सिंह बाड़मेर से निकलने के बाद अपनी मर्जी से बालोतरा चला गया, जिसकी सूचना मिलने पर बालोतरा थानाधिकारी उगमराज सोनी को इसकी जानकारी दी गई, जिस पर उन्होंने तुरंत अपनी टीम हेड कांस्टेबल गोमाराम, कांस्टेबल चतुराराम, बाबूलाल, अशोक कुमार की टीम बनाकर बालोतरा में तलाश करने पर बाजार में कमल सिंह के मिलने पर बाड़मेर लाए व परिजन से बात करवाई। वह कमल सिंह को आश्रम स्थल में रखा गया। सुशीला ने बताया कि इसके पति कमल सिंह 6 साल से लापता थे। ऐसे ही हमें इस बात की जानकारी मिली कि वह बाड़मेर में है और हम सब परिवार यहां पहुंचे हैं। बेटियों को पिता और उससे अपना पति मिल गया है। सुशीला के अनुसार पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जो 6 साल पहले अपने घर से निकल गए थे। सुशीला ने सभी का आभार व्यक्त किया। 5-6 साल से गायब हो गए, हमको ऐसे धीरे धीरे पता मिला तो हम यहाँ दौड़ते ढूंढते चले आए हैं सर। तो आपको किसने कहा कि आप यहाँ हैं? यहाँ हमको बाड़ी खार वाले ने गया सिंह बताया था कि वहाँ से कॉल आया है, अध्यक्ष फोन लगाए थे विधायक, तो हम वहाँ उसको आके पूछे पूछताछ किए कि कहाँ कहाँ, फिर डिकीलियर सब पता पूछे हैं सर, फिर वह बताई से तो हम इधर उधर पैसा थोड़ा बहुत करके और निकल पड़े वह बार के। हेड कांस्टेबल पदमपुरी ने बताया कि कमल सिंह के परिवारजन ने उसकी पत्नी सुशीला, बेटी बिलवत सुशानी और जवाई दलवीर सिंह आए, जिनको कमल सिंह को सुपुर्द किया गया। बाड़मेर पुलिस ने 6 सालों से लापता एक बुजुर्ग को उसके परिवारजन से मिलवाने का कार्य किया, जिससे उसके परिवार में खुशी लौट आई।